कोरोना महामारी के बीच मुंबई महानगर पालिका के रजवाड़ी हॉस्पिटल से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की आंख चूहे ने कटर डाली और बुधवार को शख्स ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। दरअसल कुलरा के कमान इलाके में रहने वाले 24 साल के श्रीनिवास यलप्पा को सांस में तकलीफ के बाद राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके सिर पर बुखार चढ़ गया था और किडनी में भी दर्द था, जिसके चलते श्रीनिवास को आईसीयू में भर्ती कराया गया। 24 जून को तड़के 3 बजे जब रिश्तेदार श्रीनिवास के पास पहुंचे तो उसकी एक आंख से खून बहता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को बताया और जब आंख की जांच की गई तो चूहे द्वारा आंख उतर जाने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। आंख उतर जाने के बाद डॉक्टर्स ने जांच की तो पाया कि आंख बच गई है। चूहे ने आंख की पलक के नीचे कुतरा था। आंख के अंदर कोई चोट नहीं आई है, लेकिन बुधवार को श्रीनिवास ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अस्पताल का आईसीयू विभाग निचली मंजिल पर होने के बावजूद चारों तरफ से बंद है। बरसात की वजह से शायद दरवाजे के बीच में गैप से चूहे अंदर आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, उपाय जरूर करेंगे। इस घटना के बाद बीएमसी के आयुक्त ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।